जरा सोचिए, जब एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके जबरदस्ती आपके अंदर बाहुबली जैसी ताकत भर दे। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी बॉयज। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की ये कहानी। कहानी की शुरुआत होती है और जाओ नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि जेल में कैद था। असल में उसके ऊपर एक खास तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था जिसके पूरे होने पर अब उसके अंदर एक कमाल की ताकत आ गई थी और अपने इन्हीं ताकतों से उसने बड़े आराम से जेल की सलाखों को तोड़ दिया। वहीं थोड़ी दूर खड़ा एक मिक नाम का आदमी बड़े गौर से उसे देख रहा था। इस घटना के कुछ सालों बाद अब माइक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और एक जाना पहचाना साइंटिस्ट बन गया था। उसने एक ऐसी चिप का इजाद किया था जिसे इंसानों के अंदर डालने पर उनकी हर बीमारी ठीक की जा सकती थी। और अपने इसी चिप को दुनिया के सामने लाने के लिए माइक ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। लेकिन वही एक लैला नाम की लड़की ने इस चिप से होने वाले कई खतरनाक साइड इफेक्ट के बारे में सवाल पूछे। उसने पूछा, क्या इस चिप के जरिए माइक उन सभी लोगों के दिमाग पर कब्जा करना चाहता है? माइक उसके सवालों को नजरअंदाज करके अपने चिप के बारे में आगे बताने लगा। तभी वहाँ एनोच नाम के एक आदमी ने वहाँ की सिक्योरिटी पर हमला कर दिया जिसकी वजह से चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। नोच का मकसद उन तीन कोर्स को चुराना था जिससे मिक की चिप्स को एक्टिवेट किया जा सकता है। तभी एनोज को करीब से देखने पर लीला को एहसास हुआ कि ये तो वही आदमी है जिसने बचपन में उसके माता पिता का खून किया था। वो दर्दनाक याद उसके सामने आते ही वो फ्रीज हो जाती है और वही नोच उन तीनों कोर्स को पाने में कामयाब रहता है। उधर मिक काफी गुस्से में था तो उसके असिस्टेंट याहू ने सलाह दी कि उसे आप उसके खास हथियार याओ का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि याओ दुनिया के सबसे खूंखार जेल के अंदर बंद है। फिर मिक ने उसे पैरोल पर बाहर निकलवाया क्योंकि ये काम सिर्फ वही कर सकता था। जेल में कैद होने से पहले याओ मिक के लिए लोगों का खून करता था। लेकिन एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ से भाग निकला पर बदकिस्मती से मिक ने उसे पकड़कर इस जेल में डाल दिया। लेकिन अभी भी याओ को पकड़कर मिक के पास ले जाना इतना आसान नहीं था। याओ मिक के सभी लोगों को एक साथ मारकर वहाँ चकमा देकर गाड़ी लेकर भाग जाता है। लेकिन कितने ही दूर जाता गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था और माइक के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और आखिरकार उसे मिक के पास ले ही आए। जब याओ की आँख खुली तो वो मिक के हेडक्वार्टर में था जहाँ उसे उसकी पत्नी और उसकी बेटी को दिखाया जाता है। तभी मिक ने वो एक बड़ी स्क्रीन के जरिए याओ को अपना नया मिशन बताया और उसे धमकाते हुए कहा कि अगर मिशन में कुछ भी गलत होता है तो वो उसकी बेटी और उसकी बीवी को मार देंगे। बेचारे याओ के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है इसलिए वो ना चाहते हुए भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। मिक ने बताया कि उसे नोज और उसके साथी मिस्टर मो को पकड़ना है और फिर उनसे वो तीन खास कोड वापस चुरा कर लाना है। फिर मिक ने उसे उस दिन की सभी सीसीटीवी फुटेज दिखाई ताकि वो आराम से नोच को पकड़ सके। सीसीटीवी को देखते हुए याओ की नजर लीला पर पड़ी क्योंकि वो एनोज से बात कर रही थी, तो उसने लीला को ढूंढने का फैसला किया ताकि वो नोच के पास पहुंच सके। इस काम के लिए वो अपने पुराने दोस्त बाजियो के यहाँ जाता है जो कि एक हैकर था। वो इंटरनेट से किसी भी इंसान का कच्चा चिट्ठा ढूंढ निकालने में माहिर था। उसने कुछ ही मिनटों में लैला का पता निकाल कर याहो को दे दिया और याहो लैला और नोज की तलाश में वहाँ से निकल पड़ा, जिसके बाद वो एक पार्टी में पहुँचा जहाँ पर उसे लैला मिलती है। खैर, उसने पार्टी में लैला को ढूंढा और उसे खींच कर अपने साथ ले गया। लैला उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तभी उसे याहो की गर्दन पर एक निशान दिखा जो कि नोज के गर्दन पर भी था, जिसके कारण वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों लैला के घर पे पहुंचते हैं। फिर याओ ने लैला से नोच के बारे में सब कुछ बताने को कहा लेकिन लैला ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन जब याओ ने उस कमरे की छानबीन करी तो उसे एक गुप्त रास्ता दिखा। उस कमरे से ये खुलासा हुआ कि लैला एक CIA एजेंट है जो याओ और नोच जैसे सुपर ह्यूमन के बारे में खुफिया छानबीन कर रही होती है। उन दोनों का एक ही दुश्मन होने की वजह से याओ ने लैला की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया ताकि वो दोनों मिलकर लैला के माँ बाप के खून का बदला ले सके। नो जैसे सनकी बेकाबू सुपर ह्यूमन को पकड़ने के लिए लैला और याओ दोनों के ही काबिलियत का एक साथ इस्तेमाल करना जरूरी है और इसके बाद लैला उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और वही दूसरी ओर मिक एक्सपेरिमेंट करके याओ की वाइफ के अंदर भी वो चिप डाल देता है और तो और उसने इसका लाइव ब्रॉडकास्ट बाकी देशों को बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी दिखाया। और वही याओ इस बात से बिल्कुल अनजान होता है और वो नो से तीन कोर्स को चुराने के मिशन में जुटा हुआ था। उसकी खोज में याओ और लीला चाइना के एक शहर में पहुंचते हैं। लीला ने अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरे के एक्सेस अपने पास ले लिया था और इससे वो नोज को बड़े आराम से ढूंढ सकते थे। और फिर कुछ ही देर में वो लोग नोज का पता निकाल लेते हैं पर नोज को वहाँ उन लोगों के आने की भनक लग गई थी इसलिए वो पहले ही वहाँ से भाग निकलता है। याओ ने उसके पीछा करने की कोशिश की लेकिन वो भीड़ में कहीं गायब हो गया। लेकिन जब नोज अपने अड्डे पे पहुँचा तो याओ वहाँ पर पहले से ही मौजूद था।
इसके बाद उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट सीन दिखाया जाता है, लेकिन नोज मोटरसाइकिल पर भाग निकला और वहां से निकलने से पहले ही नोज ने याहू के मोटरसाइकिल में एक बम फिट कर दिया था जो उसके अनोज से दूर होते ही फट जाता। लेकिन याहू भी एक बाइक लेकर उसके पीछा करने लगता है। आखिरकार वो दोनों एक पहाड़ी पर आ पहुंचे जहां एक काफी बड़ी चट्टान गिरी पड़ी थी। अब नोज के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो बिना सोचे ही उस चट्टान से कूद जाता है और वहां से कूदते ही उसने याहू के गाड़ी में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन याहू भी जोखिम उठाकर उसके पीछे कूद गया और नोज से वो मेन कोर्ट हासिल करने में कामयाब रहा और अपने साथ वो बम लगे घड़ी को खाई में फेंक देता है और खुद ऊपर चढ़ जाता है। और वही नोज के कुछ आदमियों ने लेला को सड़क पर घेर लिया था, लेकिन एन मोमेंट पे याहू वहां आ जाता है और उसे वहां से बचाकर ले जाता है। और वहां लैब ने मिक को खबर दी कि सिस्टम फेलियर की वजह से याहू के वाइफ के गर्दन में डाली गई चिप में कुछ खराबी आ गई है। अब माइक को यह एहसास हो गया था जरूर उसकी टीम में कोई जासूस मौजूद है। उसने अपनी सारी टीम को इकट्ठा किया और उनके कंप्यूटर की तलाशी लेने से पता चलता है कि मिक के प्लान को बर्बाद करने के लिए मिस्टर मो ने ही अपना एक आदमी उनके टीम में रख रखा था। इतना बड़ा धोखा देने की जुल्म में मिक ने बिना सोचे समझे ही मिस्टर माओ के उस जासूस को मार देते हैं। दरअसल मिस्टर माओ ने याहू के पिता मिस्टर सूरी को फोन करके बता दिया था कि वो अपने बीमारी की वजह से वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। सूरी और मिस्टर मो दोनों वही साइंटिस्ट थे जो मिक के उस इंसानी चिप के खिलाफ थे और इसलिए उन्होंने मिक के कोर्स चुराए और अब वही बाकी दो कोर्स के लिए याहू और लीला मिस्टर मो के लैब तक पहुंच जाते हैं। फिर मिस्टर माओ ने याहू के सामने आकर ये बताया कि ये चिप इस धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मिक का मकसद इस चिप के जरिए पूरी दुनिया पर राज करने का था, लेकिन क्योंकि याहू का परिवार अभी भी मिक के कब्जे में था इसलिए उसे मिस्टर मो के खिलाफ जाना पड़ा। लेकिन तभी याहू को ऐसा एहसास हुआ कि उसके सामने बैठा वो आदमी मिस्टर मो नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है और इससे पहले ही वो कुछ कर पाता मो के आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और लीला को भी वहीं पर पकड़ के खड़ा कर रखा था। उन्होंने लीला के सामने याहू के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया ताकि लीला मेन कोर्स उनके हवाले कर दे। बहुत कोशिशों के बाद भी वो यो की ऐसी हालत नहीं देख सकती थी और लीला ने उन्हें मेन कोर्स का पता बता दिया। लेकिन यही याहू उन लोगों के कब्जे से आजाद होने में कामयाब हो जाता है। वहां से निकलते हुए उसका सामना एक उसके खास दोस्त से होता है, लेकिन अपने मिशन के खातिर मजबूरन उसे मारना पड़ा। पहले तो याहू हारने ही वाला था, लेकिन अचानक ही उसके शरीर में ऐसी ताकत आ जाती है जिससे उसने कुछ ही पलों में अपने दोस्त को धूल चटा दी, जिसके बाद वो सीधा मिस्टर मो के हेडक्वार्टर पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात असली मिस्टर मो से होती है। जब मिस्टर मो ने याहू को उस चिप के सभी नुकसान के बारे में बताया तब याहू को पता चल गया कि ये चिप कितना खतरनाक है। तब मिस्टर मो ने बताया कि उसके पीठ पीछे मिक ने उसकी बीवी और बेटी के अंदर भी वो चिप डाल दिया है, इसलिए याहू की मदद करने के लिए मिस्टर मो और सूरी ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसे मिक की बिल्डिंग में ले जाकर उसकी सारी चिप्स को खत्म करी जा सकती थी। इस मिशन की जिम्मेदारी याहू को सौंपकर आखिरकार मिस्टर मो के उस बीमारी के कारण मौत हो जाती है। अब याहू और लेला सूरी के लैब पहुंचते हैं। अपने बेटे को देखते ही तुरंत सूरी ने अपने बेटे से माफी मांगी, लेकिन याहू अभी भी अपने बाप से बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसके पिता ने बचपन में ही उसे एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया जिससे वो एक दानव के माफिक हो गया है। पर मिस्टर सूरी ने समझाने की कोशिश करी कि वो मिक के इस खतरनाक इरादे के बारे में नहीं जानता था, लेकिन फिर भी याहू पर कोई असर नहीं हुआ। फिर सूरी ने बताया कि एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट उस पर उसके लीवर कैंसर को ठीक करने के लिए करा गया था और मिक इसमें कामयाब भी रहा, लेकिन मिक ने उसे अगवा करके उसे दुनिया का सबसे खूंखार अपराधी बना दिया। अब सूरी को वो कोर्स चाहिए थे जिसका इस्तेमाल कर वो मिक के सभी चिप्स को बर्बाद कर सकता था मिक को दुनिया में तबाही लाने से रोकने के लिए। बस अब यही एक आखिरी मौका रह गया था और आखिरकार याहू ने सूरी को वो मेन कोर्स दे दिया और इला के साथ वहां से बाहर आ गया। उसे इस बात का दुख था कि दुनिया को बचाने के लिए उसे अपनी बेटी और अपनी पत्नी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वही दूसरी ओर सूरी ने जल्दी से चिप्स को खत्म करने का काम शुरू कर दिया, लेकिन तभी मिक के आदमियों ने वहां हमला कर उसे मार दिया और अब वो तीनों कोर्स फिर से मिक के कब्जे में थे जिसकी मदद से उसने सभी चिप्स को एक्टिवेट करने का काम शुरू कर दिया। उसी पल से धीरे धीरे लोग उसका हुक्म मानने लगे। वहीं लेला और याहू को यह एहसास हुआ कि जल्दी उसे कुछ करना चाहिए। इसे रोकने के लिए उन्हें सूरी के बनाए उस डिवाइस को मिक के सिस्टम में डालकर जल्दी से अपलोड करना होगा। फिर लेला ने तुरंत उस बिल्डिंग के सभी सीसीटीवी कैमरे को हैक किया और वहीं याहू ने गार्ड्स को मारकर अंदर जाने का रास्ता साफ किया, लेकिन तभी उसका मुकाबला मिक के सबसे खूंखार आदमी रिट से हुआ। याहू ने अपने सुपर ह्यूमन पावर की मदद से रिट का ठिकाना लगाया और वो लेला के साथ मिक के कमरे तक पहुंच गया। मिक और उसकी टीम पूरी दुनिया के चिप्स को एक्टिवेट करने ही वाले थे कि याहू ने उन पर हमला बोल दिया।
लेकिन तभी अभी यह पता चला कि याहू की तरह ही मिक ने भी अपने शरीर के अंदर सुपर ह्यूमन पावर को पैदा कर लिया है। उनके बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। तभी मिक ने बताया कि उसकी बेटी बिल्डिंग के छत पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, और इसी दौरान लीला ने मिक के कंप्यूटर में सूर्य का डिवाइस एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाती है। इसके साथ वो सभी लोग आजाद हो गए जिन पे मिक का एक्सपेरिमेंट हो रखा था। ये देखकर मिक ने याहू पर जोरदार हमला कर उसे जमीन पर पटक दिया, और मौका पाते ही उसने लेला को भी बेरहमी से मार दिया। ये देखकर याहू गुस्से में इतना भर गया कि उसकी सुपर ह्यूमन पावर दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसने मिक को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। अपनी खास शक्तियों की मदद से उसने मिक को खत्म किया, और आखिरकार उसने अपने बेटे की भी जान बचा ली। पर सुई के प्रोग्राम की वजह से मिक की बिल्डिंग में एक जोरदार धमाका हुआ, और याहू अपनी बेटी की जान बचाने के लिए छत से नीचे कूद जाता है। वो एक गाड़ी के ऊपर आ गिरा जिससे उसकी बेटी की जान जाते जाते बची। उसने बिना अपनी जान की परवाह करते हुए अपनी बेटी की जान बचाई। इसके बाद हम ये देखते हैं कि याहू की उंगलियां हिलने लगती हैं। इसका मतलब ये था कि याहू अभी भी जिंदा है। उसके सुपर ह्यूमन के पावर की वजह से वो अभी भी जिंदा बच गया था। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने थॉट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।